आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक डिलारी के गांव रहटा माफी पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 40 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 4 किलोमीटर है। 4500 वोट और 12000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान आसिफ अली के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गांव की जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में काफी अच्छा विकास कराया है। यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान ने गांव में मुख्य समस्या शमशान घाट न होना बताया है और सरकार से आग्रह किया है कि यदि हमारी ग्राम पंचायत में शमशान घाट बन जाए तो हम सरकार के आभारी रहेंगे। ग्राम विकास अधिकारी लोकेंद्र सिंह व ग्राम प्रधान आसिफ अली दोनों ने मिलकर गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक डिलारी के रहटा माफी ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में अब तक करवा दिए? हमारे गांव में सड़कें भी काफी बन चुके हैं, आवास हैं, आवास भी बन चुके हैं। कितने आवास बने? आवास करीब 30 आवास बने हैं और बाकी आवास पे जो है पैसा आए तो कम शुरू होगा। ओडीएफ हो गई ग्राम पंचायत? ओडीएफ अभी भी हो चुकी है, हमारे यहाँ का काम हो चुका है, लैट्रिन का हो चुका है। रास्ते सभी पक्के हो चुके हैं? रास्ते लगभग हमारे यहाँ 90% पक्के हैं, रास्ते हो चुके हैं हमारे यहाँ। और सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है यहाँ सभी को, जो केंद्र सरकार जो भी योजना आती है, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, इस तरह की जो भी योजनाएं सरकार की है वो सब मिलने पाते हैं यहाँ? हाँ, सारी योजनाएं जो है सब मिली है यहाँ पे किसानों को। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? साफ सफाई की व्यवस्था भी हमारे यहाँ ठीक है। पहले हमारे एक सफाई कर्मी था, इस टाइम हमारे यहाँ हेड पंचायत ने 2 सफाई कर्मी, 1 सफाई कर्मी उनका भेजे हैं जी। जो काम हमारा सही चल रहा, सब नियमित आते हैं? सब नियमित आते हैं, सब काम ठीक ठाक। स्कूल पर क्या कार्य करवाए हैं आपने? स्कूल पे लैट्रिन बनवाई है, टोमोर के टेल्स वगैरह लगाए हैं, फर्श कराया है, पत्थर लगाए हैं। इतना सौंदर्यीकरण कराने के बाद में आपने इस वर्ष में जो ये स्कूल में सौंदर्यीकरण करवाया है, इससे पिछले वर्षों में जो स्कूल की हालत रही है, जैसे छात्रों की संख्याएं काफी कम थी अब से पहले और शिक्षा का स्तर भी इतना बेहतर नहीं था, तो अब उसमें आपने कुछ बदलाव देखा है? मेरे यहाँ जो है पढ़ाई अच्छी हो रही है स्कूल में और करीब मेरे यहाँ समथिंग 200 से बच्चे ऊपर है और दूसरे वाले स्कूल में जूनियर में भी जो है उसमें भी करीब 150-125 के बच्चे मिड डे मील वगैरह बिल्कुल समय समय पर जाते हैं जी। यहाँ पर 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है? मिल जाती है। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? अब यही रखना चाह रहे हैं कि वो सरकार पैसा दे तो हमारे यहाँ एक पंचायत भवन नहीं है, पंचायत भवन बन जाए जी। बारात घर है? बारात घर भी नहीं है अभी, बारात घर बन जाए। यात्री स्टैंड की मांग करी है कि वो बन जाए जी। तो अभी बहुत सारे और काम है, पर जैसे खेल का मैदान है, खेल का मैदान भी नहीं है अभी हमारे यहाँ। आंगनबाड़ी केंद्र हमारे यहाँ है। अस्पताल का कमरा बन रहा है जी। ये जो मोदी सरकार, योगी सरकार जो हमारे देश में काम कर रही है, स्वच्छता मिशन और तरह तरह के अभियान हमारे देश की जो है भलाई के लिए चलाए जा रहे हैं, आप इससे कितने संतुष्ट हैं? सरकार जो काम कर रही है वो कितने हित में है, कितने संतुष्ट हैं आप इनसे? ये जो काम कर रहे हैं, हर आदमी अपने काम, सरकार है अपने हिसाब से काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है जी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास अब तक उनके द्वारा यहाँ करवाया जा चुका है, जैसे सीसी का कार्य और सड़क निर्माण, 90% सड़क रास्ते यहाँ के आज भी बेहतर हो चुके हैं, आवास भी यहाँ काफी लोगों को मिले हैं, शौचालय से भी गांव पूरी तरह से ओडीएफ हो चुका है, लेकिन कुछ मूलभूत समस्याएं आज भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि पंचायत भवन, बारात घर यहाँ पर निर्मित नहीं है, जिसके लिए प्रधान मांग करते हैं कि यात्री शेड को लेकर भी प्रधान ने यहाँ मांग रखी है, खेल के मैदान को लेकर भी वो मांग रखते हैं। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन, टुडे 24 से। क्या नाम सर आपका? धीरज कुमार। इस पद पर आप निर्दल लेंगे? इंचार्ज अध्यक्ष। ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? विद्यालय में ना ये फर्श में जो टाइल लगी हुई है ये सब लगवाई गई हैं, दीवारों पे टाइल लगवाई गई हैं और शौचालय में लगवाई गई हैं, रसोई में लगवाई गई हैं और इसके अलावा सबमर्सिबल लगवाया गया है। हाँ, जो ऊपर टैंक लगवाया गया है उसके ऊपर जाल लगवाया गया है। कितना समय देते हैं ग्राम प्रधान विद्यालय के लिए? ठीक ठाक समय देते हैं। जरूरत हुई जब आए थे? जरूरत ही आ जाता। क्या नाम है आपका?
यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास हुआ है? यहाँ पर सर सबसे सर्वप्रथम तो उन्होंने टॉयलेट बनवाए हैं जो बहुत टूटे फूटे थे, और ये स्कूल की बाउंड्री करवाई है, रसोई की मरम्मत करवाई है, और स्कूल में टाइल्स वगैरह लगवाई हैं सब में, ये फर्श भी करवाया है और बाहर ईंटें लगवाई हैं। अभी किसी चीज विकास की कोई आवश्यकता थोड़ी इस समय विद्यालय में? नहीं, फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं, ठीक ठाक करा दिया सब कुछ अच्छा। क्या नाम आपका? मैडम खगेन सिंह राणा है। किस पद पर आप यहाँ कार्यरत? प्रधान अध्यापक। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराएगा? यहाँ शौचालय की स्थिति में पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, टाइल्स लगी हैं, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से हो गई है, और इसके अलावा ये जो बाहर हमारा प्रांगण है यहाँ नीचे टाइल्स लगी हैं और दीवारों पर टाइल्स लग गई है। जब जब जरूरत होती है ग्राम प्रधान समय देते हैं? समय देते हैं, जब बुलाते हैं तब भी आ जाते हैं।